आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज माँ दुर्गा के जिस रूप की पूजा की जाती है वो बेहद खास है। खास तौर पर अगर कुंवारी लड़कियाँ माता दुर्गा के छठे रूप की पूजा आराधना करें तो शादी में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कौन से देवी स्वरूप की पूजा करें और क्या उपाय करें जिससे भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो नवरात्रि का छठा दिन माता कात्यायनी को समर्पित है। खास जानकारी के लिए हमने काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से बात की। पुराणों की माने तो मां कात्यायनी ने ही महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मिलता है। हाँ, छठे दिन मां कात्यायनी का पूजन किया जाता है, कात्यायनी के स्वरूप का। इनका पूजन करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिन कन्याओं को विवाह में अड़चने आ रही हों, उन्हें नवरात्रि के छठे दिन देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान देवी को हल्दी भी चढ़ाएं, इससे विवाह से जुड़े सभी तरह के दोष दूर होते हैं। नवरात्रि के अलावा मंगलवार के दिन भी देवी की पूजा का विधान है। इनकी पूजा वह कन्याएं करती हैं जिनके विवाह में विलम्ब होता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है, माँ कात्यायनी को हल्दी चढ़ाती हैं। हल्दी चढ़ा करके उनका पूजन अर्चन करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 16 प्रकार के श्रृंगार, जैसे चूड़ी हुआ, बिंदी हुआ, ठीक है, इस तरह के जितने भी श्रृंगार के सामान हैं, आलता हुआ, कंघी हुआ, ऐना हुआ, इस तरह से 16 प्रकार के श्रृंगार के सामान इनको अर्पित करने चाहिए। नवरात्रि के छठे दिन पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें। माना जाता है कि देवी को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा उनकी पूजा में पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे भक्तों को देवी की कृपा मिलती है और जल्दी ही जीवन में परेशानियां दूर होने लगती हैं। इनको पीला मिष्ठान, पीला पुष्प अर्पित करना चाहिए जिससे माँ कात्यायनी भक्तों के कष्टों को दूर करे और विवाह के लिए विशेष करके इनका प्रयोग किया जाता है। माता रानी के पूजन के दौरान क्या क्या करना चाहिए ये तो आपने जान लिया। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि देवी कात्यायनी का स्वरूप कैसा दिखता है। तो पुराणों में ऐसा कहा गया है कि माता की चार भुजाएं हैं। इनकी एक भुजा में कमल का पुष्प, दूसरे में तलवार है, वहीं एक में अभय मुद्रा और एक में वर मुद्रा है। माँ दुर्गा की तरह माँ कात्यायनी भी शेर पर सवार रहती है। ऐसी कथाएं भी हैं जिसमें कहा गया है कि इनका स्वरूप बेहद चमकीला है। नवरात्रि के छठे दिन हमने आपको देवी कात्यायनी के बारे में बहुत सी खास बातें बताई। अब ये भी जान लेते हैं कि उन्हें कात्यायनी नाम कैसे मिला। दरअसल देवी कात्यायनी महर्षि कात्यायन की पुत्री हैं। उन्होंने कठोर तप किया जिसके बाद माता पार्वती ने ऋषि के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए उन्हें कात्यायनी देवी जाना जाने लगा। माँ कात्यायनी ने विजयदशमी के महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। अगर आप भी माता कात्यायनी के बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहें लोकलिटी।